नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इन्फो एज के शेयर प्राइस में पिछले 3 महीनों में 18 से 19% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। इसलिए इस वीडियो में हम इन्फो एज का स्टॉक एनालिसिस करेंगे और इसका स्टॉक एनालिसिस करने के लिए हम 3 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला बिजनेस का इसका एनालिसिस करेंगे, दूसरा इसके फाइनेंशियल का एनालिसिस करेंगे और तीसरा इसके फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे। ये पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़े, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही क्वालिटी और इंफॉर्मेटिव वीडियो का फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंफोएज इंडिया लिमिटेड एक इंडियन इंटरनेट कंपनी है। इसका बेस नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके फाउंडर संजीव बिगचंदानी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को 1995 में फाउंड किया था। शायद बहुत लोग का आइडिया नहीं होगा इंफोएज इंडिया लिमिटेड का मेजर बिजनेस क्या है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यह कंपनी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल रन करती है जैसे naukri.com। अगर आप एक जॉब सीकर हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो निश्चित ही आपको आइडिया होगा naukri.com का क्या बिजनेस है। naukri.com अपने फील्ड में मार्केट लीडर है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर एक दूसरे से मिलते हैं। इन्फोएज इंडिया लिमिटेड के पास ऐसे ही बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग तरह के लोग मीट करते हैं अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जैसे jeevansathi.com जहां पर शादी करने के लिए नए युवा और युवती मिलते हैं। इसी तरह इस कंपनी का रियल एस्टेट में भी एक प्लेटफॉर्म है जो 99acres.com के नाम से जानी जाती है। यहां पर प्रॉपर्टी हाउस वगैरह सेल या बाई करने के लिए लोग मिलते हैं। एजुकेशन के लिए इसके पास शिक्षा.com नाम का वेबसाइट है। ये तो रहा इन्फोएज इंडिया लिमिटेड का कुछ मेजर बिजनेस जो ये कंपनी मेनली और सोलेली रन करती है। इन मेजर बिजनेसेस के अलावा इन्फोएज इंडिया लिमिटेड का 23 ऑनलाइन कंपनीज में माइनॉरिटी स्टेक है, जिसमें 2 यूनिकॉर्न कंपनी है जैसे फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, शायद आपको भी आइडिया होगा, ये एक बहुत फेमस कंपनी बन चुकी है एटलीस्ट अर्बन और मेट्रो सिटीज में। इसमें इसका 18.4% का स्टेक है फरवरी 2021 तक। और एक और ऑनलाइन कंपनी इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार, जिसमें इस कंपनी का 15.1% स्टेक है अगस्त 2020 तक। आप समझ सकते हैं इन्फोएज इंडिया लिमिटेड का जिस कंपनी में मेजर स्टेक है वो तो मार्केट लीडर है ही, जिस कंपनी में इसका माइनॉरिटी स्टेक है वो भी एक तरह से अपने फील्ड में या तो रिनाउंड नाम है या एक तरह से मार्केट लीडर है। ये तो रहा इन्फोएज का बिजनेस एनालिसिस। आगे बढ़ते हुए इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इन्फोएज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटल देखने के लिए हम पिछले कुछ सालों का इसका एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखें तो यहाँ पर डेटा तो वैसे अवेलेबल है मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 तक का। इस पीरियड में इस कंपनी का सेल्स 246 करोड़ से बढ़ के 1312 करोड़ तक पहुंचता है, जो करीब 5 गुना का ग्रोथ दिखाता है। इसका ओपीएम परसेंटेज मार्च 2009 से लेके मार्च 2013 एनुअल रिपोर्ट तक अच्छा नजर आएगा और इस पीरियड में 23% से लेके 30% के रेंज में बना हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से इसके ओपीएम में भारी गिरावट देखने को मिलती है और ये 17% होता है मार्च 2014 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। उसमें अगले कुछ सालों तक लगातार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और गिरावट बना हुआ है। इसमें इंप्रूवमेंट मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट में तो आता है और ये 22% हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से इसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है इसका फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का, वहां पर इस कंपनी ने ओपीएम में -27% दिखाया है। नेट प्रॉफिट इसका 2009 से लेकर 2012 तक ठीक ठाक बना हुआ है, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, लेकिन 2012 एनुअल रिपोर्ट के बाद से इसमें कुछ सालों तक डिटोरिएशन बना हुआ है। एक बार फिर से ये कंपनी 136 करोड़ का प्रॉफिट तो बुक करती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अदर इनकम का रहता है क्योंकि ये 111 करोड़ है। अगले साल ये कंपनी लॉस बुक करती है और 2018 और 2019 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भारी जंप देखने को मिलता है, लेकिन इसका मेजर रीजन इसका अदर इनकम है क्योंकि इन 2 सालों में इस कंपनी ने 401 और 737 करोड़ का अदर इनकम किया था। ये अदर इनकम हो सकता है जो ये कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें से कोई अपना स्टेक सेल की हो, कोई एसेट सेल की हो, या बहुत सारे कंपनी में इसका माइनर स्टेक है वहां से इसको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके मिला हो। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो 2020 का है वहां पर भी इसका अदर इनकम 287 करोड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस ही बुक करती है और ये करीब 238 करोड़ का होता है।
अर्निंग पर शेयर भी आपको इसके नेट प्रॉफिट की तरह ही दिखेगा। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है अगर एक दो सालों को छोड़ दिया जाए तो, इसलिए डिविडेंड पेआउट का परसेंटेज लगातार ना के बराबर बना हुआ है। इंफोएज इंडिया लिमिटेड के परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 14% होता है, 1 साल में ये निगेटिव 11% है, 5 सालों में 12% जबकि 10 सालों में 19% है। कहा जा सकता है इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से अच्छा बना हुआ है अगर पिछला 1 साल को हम यहाँ पर छोड़ दे तो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का डिटेल यहाँ पर 3 सालों से लेकर 10 सालों तक कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि या तो कंपनी ने लॉस बुक किया है या अदर इनकम के थ्रू इसका मेजर प्रॉफिट आ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है क्योंकि पिछले 1 साल में इसके शेयर प्राइस में 72% का हाइक देखने को मिला है, 3 साल में 52%, 5 साल में 42% और 10 साल में 28%। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का पिछले 1 साल का काफी खराब नजर आएगा क्योंकि ये निगेटिव 13% है। हालांकि 3 साल, 5 साल या 10 साल के डेटा के हिसाब से भी इसका आरओई काफी खराब ही माना जाएगा या बिलो एवरेज माना जाएगा क्योंकि ये 9% से लेके मात्र 12% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट इसका पिछले 12 सालों का अच्छा नजर आएगा क्योंकि रिजर्व्स इसका 2009 में जो 295 करोड़ का था बढ़ के मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक 2073 करोड़ तक पहुंच जाता है। बोरिंग पार्ट में यहाँ पर आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हाँ, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जरूर इस कंपनी पे 77 करोड़ के आसपास कर्ज दिख रहा है लेकिन इन्फोएज के मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप के हिसाब से ये भी ना के बराबर ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इस कंपनी का 2009 से लेकर 2013 तक अच्छा माना जा सकता है क्योंकि इस पीरियड में आरओसी का परसेंटेज इसका 25% से 32% के रेंज में बना हुआ है। 2014 एनुअल रिपोर्ट से इसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन या तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और ये कंटिन्यू बना रहता है मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट तक। मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट आते आते इस कंपनी का आरओसी का परसेंटेज निगेटिव 13% हो जाता है, यानी अगर इसके आरओसी को हम दो पार्टों में बांटे तो 2013 तक अच्छा नजर आएगा और 2014 से लेकर 2020 तक का परफॉर्मेंस खराब माना जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार आपको कम होती हुई दिखेगी पिछले 2.5-3 सालों में और ये 41.35% जो जून 2018 के हिसाब से था घट के मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 38.41% तक पहुंच जाता है। एफआईएच का होल्डिंग जरूर इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 33.17% से बढ़ के 39.33% तक हो जाता है। डीआईएच की होल्डिंग में भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी और ये 14.51% से घट के 11.25% तक पहुंच चुका है। पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगा और ये 10.81% था जून 2018 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। बीच के पीरियड में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से भी पब्लिक का होल्डिंग 10.81 बना हुआ है। इन्फोएज के साथ फिलहाल दो प्रॉस नजर आ रहा है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसका मीडियम सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 18.74% बना हुआ है जबकि कॉन्स पार्ट को हम देखें तो इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 12.56 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। इसका आरओई काफी खराब निकला है पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से और ये मात्र 12.46% है। कंपनी ने जो अपना अर्निंग या इनकम दिखाया है उसमें अदर इनकम 1379.52 करोड़ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों से लगातार घटती हुई नजर आ रही है और ये 3.05% घटा है। इन्फोएज का प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस इसका पिछले 3 महीनों तक तो काफी खराब नजर आएगा क्योंकि इसके शेयर प्राइस में करीब 19% का डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले 1 साल में इस शेयर ने 32.43% का अच्छा रिटर्न दिया है जबकि 3 साल में 250.46% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो पिछले 1 महीना में जो टोटल क्वांटिटी शेयर में ट्रेड होता है वो करीब 6 लाख होता है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर एवरेज और ये 28.19% है जबकि पिछले 1 सप्ताह का डेटा देखें या 1 दिन पहले का डेटा देखें यहाँ पर आपको क्वांटिटी थोड़ी सी कम ट्रेड होती हुई दिखेगी लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज 40 के ऊपर और ये करीब 46% और 45% बना हुआ है। अगर ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में पिछले 1 सप्ताह से बढ़ रहा है क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज आपको हाई नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन हो सकता है इसके शेयर प्राइस में भारी करेक्शन देखने को मिल चुका है और शायद लोग अब पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब तक हमने देख लिया इन्फोएज का बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनली अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है।
इंफोएज इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो पांच पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न आपको रेड जोन में नजर आएगा, बाकी रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट या एएसएम ईजीएसएम का कोई इशू नहीं है, ये तीनों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 57,630 करोड़ है। इस कंपनी का पी रेशियो काफी खराब नजर आ रहा है और ये निगेटिव 223.84 है, जबकि सेक्टर का पी 135.74 है। फोरकास्ट भी इसका निगेटिव ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो 20 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, मात्र उसमें 30% एनलिस्ट का ही मानना है इस शेयर को बाय करना चाहिए। अब बात की जाए इंफोएज इंडिया लिमिटेड के फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर अभी भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का बिजनेस और भी ज्यादा हैम्पर होने वाला है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, ना यहाँ पर इस कंपनी का naukri.com चलने वाला है, ना jeevansathi.com ज्यादा चलने वाला है, और ना ही 99acre.com चलने वाला है, क्योंकि तीनों कंपनीज के नेचर और बिजनेस को देखा जाए, naukri.com जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर के लिए प्लेटफॉर्म है। जब मार्केट में लॉकडाउन चल रहा हो, ऐसे ही लोगों की नौकरी जा रही है, इसलिए कंपनीज की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पर लोग आएंगे जॉब प्रोवाइड करने के लिए शॉर्ट टर्म में, इसको लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पिछले एक सवा साल से कोरोना की वजह से जिस तरह से हालात बने हुए हैं, 99acre.com भी ज्यादा नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोगों के पास शायद उतना ज्यादा अभी पैसा नहीं है जो लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी या घर खरीद सके। कोरोना की वजह से लोगों की शादियां भी टल रही है, इसलिए jeevansathi.com भी आने वाले 2-3 महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का फ्यूचर अभी भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल जैसे ही ओवर होगा, मार्केट में नौकरियां आ सकती है, लोगों के पास पैसे आ सकते हैं, इसलिए इसका जो बिजनेस naukri.com हो, 99acre.com हो, एक बार फिर से वहां पर चहल पहल देखने को मिले और एक बार फिर से इस कंपनी में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। अब बात किया जाए, क्या इंफोएज इंडिया लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है? जैसा कि हमने देखा, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कोई खास नजर नहीं आ रहा है, इसके शॉर्ट टर्म फ्यूचर में भी कोई अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये इसको लेकर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मुझे अगर इस कंपनी के शेयर को बाय करना होगा, मैं फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करूंगा। बाकी आपको क्या करना है, जो भी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, इसके एडिशन में और भी डिटेल एनालिसिस और रिसर्च कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शेयर के बारे में मेरा कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।